नहीं बिल्कुल, बोलो बोलो, जिसका जो नहीं बोलेंगे नंबर बोलेंगे। मर्जी है बोलो, तभी तो कुछ काम आए। होटल के बताए हमारा कुछ होटल करता है। मनीष कुमार तिवारी त्रिपाठी पंडित जी हैं, हमारे बड़े अच्छे। बाकी और खासकर वो गांव देहात वाले नहीं, हाँ टूटेगा वो दीवार मत दिखाना बाकी। हाँ दीवार में दिया दिखाना, अच्छा दिखा लड़के के लिए था फोन आया था के लिए अभी आप बोलना मेरा क्यों गया क्या है? मेरा नाम छोटे लाल है। अच्छा ये बताइए, ये जो स्थिति बना हुआ है ये कितना दिन से बना हुआ है? ये करीब 5 साल पहले से बना हुआ है, 10 साल हो गए लगभग। तो आप इसके लिए कई दरख्वास्त वगैरह दिए हैं? इसके लिए मैंने कई एक जगह पर अप्लीकेशने दी हैं, दरख्वास्त वगैरह दी हैं, है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक का कि मुख्यमंत्री तक मैंने लिखा पढ़ी कर दी। अच्छा IGRS के तहत भी मैंने ऑनलाइन भी इसका कंप्लेन किया है। अभी इसका कोई कार्रवाई? अभी इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये कहा गया था कि ग्राम पंचायत अधिकारी की तरफ से, जो जिला पंचायत अधिकारी होते हैं, उन तक हमारी एप्लीकेशन पहुंची है, लेकिन उन्होंने कहा कि 14 अगस्त तक आपका ये रोड और नाली बन जाएगा। लेकिन अभी तक एक ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, वो अभी तक भी देखने नहीं आया। अच्छा आज तो 18 तारीख हो गया है। आज 18 तारीख हो गया है। इसके लिए आप चूँकि अभी चार दिन पहले भी हमारे मोबाइल नंबर पर फ़ोन आया था, जो जिला पंचायत अधिकारी हैं उनके यहाँ से, उन्होंने स्थिति पूछी कि अभी तक कोई कार्य हुआ कि नहीं। तो हमने कहा कि अभी तक तो गांव का प्रधान भी देखने नहीं आया कि यहाँ की स्थिति क्या है। तो अच्छा आप इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इसके लिए संदेश तो बहुत कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी ये जो नरक कुंड यहाँ बना हुआ, हमारे मोहल्ले में डेंगू का प्रकोप हो रहा है और करीब 5 साल से लगभग कितने हमारे यहाँ मोहल्ले के लोग बीमारी से ग्रस्त हो गए, लाखों रुपये बर्बाद किए, और यहाँ तक मैंने अभी 10 तारीख को अपना बेटा भी खोया है। अच्छा आपका बेटा क्या डेंगू का शिकार थे? जी हाँ, डेंगू का भी शिकार था। अच्छा जो कि TS मिश्रा में मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, और इसी सब गंदगी की वजह से मेरा बेटा खोया है, जबकि मेरा सहारा छिन गया है। लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने जरा से भी इधर नज़र नहीं की कि कम से कम यहाँ जो पब्लिक पीड़ित है या जो मर रही है, हम एक बार उसको देख तो लें। अच्छा आप मीडिया जरिए क्या संदेश देना चाह रहे इस मामले में? मैं मीडिया के जरिए ये संदेशा देना चाह रहा हूँ कि कम से कम आ करके यहाँ देखें अधिकारी लोग, और देख करके इसका जो भी उचित कार्रवाई है, इस पर तत्काल ये रोड और नाली पानी का निकास तत्काल बनवाने की कृपा की जाए। अच्छा यहाँ और भी कोई भाई है, चारों तरफ पानी जमा हुआ है, हमने देखा। बिल्कुल भाई साहब, तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जमा होता है, बारिश का पानी और नालियों का पानी जो घर से निकलता है, और जिससे कि बहुत सारी बीमारियाँ पनप रही हैं, और आम आदमी को चलने फिरने में सबसे बड़ी दिक्कत तो आम आदमी को निकलने के लिए, जैसे कि हमारे भाई साहब 2-3 मकान बने हुए हैं, इनको तो निकलने के लिए भी शुद्ध रास्ता नहीं है। अच्छा जैसे पंचायत की तरफ से बीच बीच में ब्लीचिंग वगैरह छिड़काव? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, A to Z कोई भी फैसिलिटी हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही है। तो कुल मिला के ये एक आम रास्ता है, इस आम रास्ता को आप लोग तैयारी अगर हो जाए तो ये कई घर हैं, 8-10 घर जो भी हैं, इनका आने जाने की सुविधा मिले, और ये जो कचरा पानी जमा हुआ है करीबन 8-10 साल हो गया है, इसके कारण से बड़े बड़े बीमार का शिकार होना पड़ रहे हैं। जी तो सरकार से आप क्या चाहते हैं इस मामला में? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो कि उचित हो और खरंजा हमारे लिए बन जाए, नाली पानी निकास हो जाए, जिससे कि मतलब बीमारियां ना पनपें, लोगों को दिक्कतें ना हो, यही हमारी बात है। तो ये जो स्थिति बना हुआ है, संतोष कुमार आप बताइए, ये जो स्थिति बना हुआ है आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना? सर परेशानी यहाँ एक तो रास्ता नहीं है, और इसमें नाली की निकास नहीं है, और यहाँ सब मच्छर और बीमारियाँ सब पनप नहीं। मेरा घर बना है, मैं 3 साल से यहाँ सर रह रहा हूँ, लग गया कोई व्यवस्था और सब यही सब रास्ता वगैरह। प्रधान जी क्या बोल रहे हैं इस मामला में? आप लोग तो बताते हैं कि बना देंगे, बना देंगे, बना देंगे, 2-3 साल से ही बोलते हैं, आते नहीं हैं सर। ठीक है।
चलिए आप बताइए इस समस्या से कितना जूझ रहे यहाँ पे। अरे हम तो 15 साल से जूझ रहे हैं, 2000 मतलब 2 से हम लोग यहाँ झूल रहे हैं इसी नरक में, ये पानी में, और मुसीबतें बहुत से उठाई, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, हम लोग भी बीमार होते हैं, न निकलने की रास्ता है, न आने की रास्ता, न जाने की रास्ता है। और हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी रास्ता बनवा दें, हम बहुत खुश हैं। हमारा नाम धर्मदेव है। अच्छा आप बताइए, आपका घर तो यही है? हाँ, तो हमारा घर यहाँ बना है। आने जाने में परेशानी? आने जाने में बहुत परेशानी है। हम लोग ये समझ लीजिए कि घर बना चुके हैं, लेकिन घर का रास्ता दे करके नरक में है इस तरीके से, एक जैसे। और मेरी 2 साल पहले मेरी बेबी को भी बीमार हुआ था, डेंगू के शिकार वो भी हुई थी, इसी उसमें उसका प्रमाण है मेरे पास, कागज पत्र है डेंगू का, जो इलाज हुआ है, जो कुछ हुआ है। तो यही देख करके हम तो कहते हैं कि सरकार से कि जितना जल्दी से जल्दी हो ये रास्ता को ट्रीटमेंट कर दें, पानी का निकास कर दें, हम लोग मतलब आराम से चैन से रहें, बस यही इतना हम चाहते हैं। स्थिति बना हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखाया जाए, क्योंकि इसमें मच्छर, हजारों मच्छर है और वो भी डेंगू मच्छर है। देखिए ये जो रास्ता है, एक आम रास्ता है, ये जो चारों तरफ जो पानियाँ दिख रहा है, ये पानी में मच्छर पैदा हो रहे हैं, आसपास में परिवार बसा हुआ है, और इस परिवार का ये दुर्दशा हो चुका है कि यहाँ से निकासी का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये उस साइड से कोई निकासी है नहीं, उस साइड से कोई